जय भीम। सम्यक न्यूज लाईव्हच्या या विशेष बातमीपत्रामध्ये मी विजय निलंगेकर आपलं स्वागत करतो। पाहुयात आजच्या सम्यक घडामोडी। फिनिक्स मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल अँड क्रिटिकल केअर सेंटर, शिवाजीनगर, नांदेड। आयडियल इन्स्टिट्यूट ऑफ बायोलॉजी, नांदेड आणि लातूर, लीडर इन बायोलॉजी। साथियों, मैं जिग्नेश मेवाणी इस वीडियो के माध्यम से इस देश के सारे दलित और आदिवासी समुदाय को दिल से यह अपील करता हूं कि मेहरबानी करके इस बार 14 अप्रैल को उत्सव से ज्यादा हमारे अधिकार के लिए संघर्ष के दिन के रूप में मनाएं। जिस प्रकार से एट्रोसिटी के कानून को खत्म करने की कोशिश केंद्र की भाजपा सरकार ने की है, और जब सुप्रीम कोर्ट के सामने इस देश के दलित और आदिवासी किन परिस्थितियों में जी रहे, आज भी जाति के नाम पे उनको किस प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है, कितनी हिंसा का शिकार, 2017 के भारत में दलित और आदिवासी बनते हैं, उन सारी में से कोई भी चीजों का ब्यौरा केंद्र की भाजपा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं रखा। और एक तरह से इस कानून को खत्म करने में भाजपा की सरकार ने सारे एफर्ट्स लगाए। ये समझते हुए मेरी आप सभी को अपील है कि इस बार 14 अप्रैल के दिन भाजपा के किसी भी नेता को बाबा साहेब के स्टैच्यू को हाथ लगाने मत दो। जगह जगह पर हरेक स्टैच्यू के बगल में सारे भीम सैनिक, सारे आदिवासी लीडर्स, कार्यकर्ता हाथ में प्लेकार्ड लेकर खड़े रहे, उनको शर्मिंदा करें कि कुछ तो शर्म करो। इस देश के लोकतंत्र और संविधान को बदलने की बात भाजपा के लोग कर रहे हैं, तो भाजपा के कैंप में जाकर बैठो। जिन्होंने गुना पे दलितों का चमड़ा उजाड़ा, जिनकी पॉलिटिक्स के चलते हमारे साथी चंद्रशेखर आजाद को जेल में डाल के रखा है, जो एट्रोसिटी के पूरे कानून को खत्म करना चाहते हैं, कुछ तो करो। उनको शर्म करने के लिए हम उनको शर्मिंदा करेंगे। हिंसा बिल्कुल न हो, लेकिन उनका जमकर विरोध हो, उनको कहा जाए तुम्हारी कोई औकात ही नहीं कि बाबा साहेब के स्टैच्यू को हाथ लगाओ। यही बात मोदी जी को भी कहना चाहते हैं कि तुम्हारे होठों पे बाबा साहेब के दिल में मनु है, कृपया इस बार 14 अप्रैल में बाबा साहेब के स्टैच्यू को हाथ मत लगाना। आता वेळ झाली एका ब्रेकची, पुन्हा भेटू तोपर्यंत जय भीम। पाहत रहा सम्यक न्यूज लाइव। बातमी पाहण्यासाठी यूट्यूब वर सबस्क्राइब करा। अधिक माहितीसाठी 99 21 69 49 32 या नंबरवर कॉल करा।